If bromine atom is available in the form of say two isotopes, bromine 7935 and 8135, calculate the average atomic mass of bromine. तो हमें ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स दिए गए थे. आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर ऑफ सेम एलिमेंट, देखिए 35 35, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर लेकिन मास नंबर्स डिफरेंट है. एक में है 79 और एक में है 81. तो ये दो आइसोटोप्स हैं ब्रोमीन के, तो इनका जो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन होता है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने यहाँ पर लिया है 79 जो कि है मास नंबर. तो 70 मास नंबर हमने क्यों लिया? क्योंकि मास नंबर मास ही होता है. जो मास नंबर होता है वो इज इक्वल टू मास. तो 79 है ब्रोमीन 79 जो पहला आइसोटोप उसका मास है 79 इंटू वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो है 49.7% डिवाइडेड बाय 100 किया हमने, प्लस आपको जो सेकेंड आइसोटोप का जो मास है 81 उसको इसका परसेंटेज से इंटू करना है डिवाइडेड बाय 100. तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा जो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन है वो है 80 एटॉमिक मास यूनिट. तो इसमें जस्ट एक ही फॉर्मूला है, मास इंटू एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100. ये है आपका मास, 79 है मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इंटू परसेंटेज एबंडेंस है सेकेंड 49.7 डिवाइड बाय 100, प्लस सेकेंड आइसोटोप के लिए 81 है मास इंटू 15.3 इसका है एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100. तो ये फॉर्मूला से हम एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन.